नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद कथित बिचौलिया रहे क्रिश्चियन मिशेल ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मिशेल ने गुरुवार से खाना नहीं खाया है। जेल प्रशासन ने कहा कि मिशेल के स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशेल का कहना है कि उसकी बात को सुना नहीं जा रहा और उसके पास अपनी बात सुनाने का और कोई रास्ता नहीं है। उसने ब्रिटिश सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने का भी आह्वान किया है। सूत्रों के मुताबिक क्रिश्चियन मिशेल ने लीगल टीम के जरिए यूके के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन को एक लेटर लिखा है, जिसमें उसने 25 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करने की बात कही थी। मिशेल की लीगल टीम का तर्क है कि संयुक्त अरब अमीरात ने राजकुमारी की जब्ती और वापसी के बदले में उसके प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही मिशेल के वकीलों का कहना है कि उसे पूरी तरह से काउंसलर एक्सेस भी नहीं मिल रहा। बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 4 दिसंबर 2018 को मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी ने मिशेल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यूपीए सरकार ने फरवरी 2010 में 12 बीबीआई हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करीब 3,600 करोड़ रुपए का करार किया था, लेकिन बाद में इस डील में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात सामने आ गई। दावा किया गया कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर टेंडर हासिल किया गया। साल 2014 में भारत सरकार ने इस डील को रद्द कर दिया था। फरवरी 2013 में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।